हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हमने अभी तक जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर ली है। चलिए, हम जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो क्या है, बेसिक जो प्रोटीन है उसके अमीनो एसिड्स हैं एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक लगे हुए हैं। अगर हम कहें तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, यानी पेप्टाइड चेन से पॉली हैं, पेप्टाइड से बॉन्ड है वो क्या है ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो वो हो गया है प्रोटीन। अब हम आगे बात करते हैं इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या बात करेंगे, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज आए। किस प्रकार का चेंज आए, या तो वो चेंजेस है वो कैसा आ सकता है, ट्विस्टिंग का आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं द कन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज रेफर्ड एज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी एक लंबी जो है सूतली है उसको आपने मोड़ दिया है। मोड़ा कैसे है, ऐसे मोड़ा है कि उनके बीच में भी आपस में बॉन्ड आने लग गए। आगे बात समझ में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी, प्रोटीन की। द अमीनो एसिड्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन दियर सीक्वेंस। ऐसी कंडीशन में क्या है, अमीनो एसिड्स जो अभी दूरी दूरी तक थे, सी टर्मिनल वाले हैं वो पास में एन टर्मिनल वाले के आ गए हैं। टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो प्रकार की है, एक अल्फा हेलिक्स वाली है और एक बीटा शीट वाली है, इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, इंडियन साइंटिस्ट जो है रामचंद्रन मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, कौन, रामचंद्रन जी। इन्होंने ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो है इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में बताया, उन्होंने इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो बताया। अल्फा हेलिक्स जो है उसकी बात कर लेते हैं हम। अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कैसी स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है। इट हैज ए रिजिड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसा, रिजिड वाला अरेंजमेंट है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कोरे 1951, which is regarded as one of the milestone in the biochemical research। यानी अल्फा हेलिक्स जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में पॉलिंग एंड कोरे ने बताया, कब, 1951 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी बायोकेमिस्ट्री। द साइलेंट फीचर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स आर गिवन बिलो। तो इस वीडियो में हम आपसे अल्फा हेलिक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, द अल्फा हेलिक्स इज ए टाइटली पैक्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर विद अमीनो एसिड साइड चेन्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से क्या है, एक्सटेंड रहते हैं और ये आपस में टाइटली पैक रहते हैं, कॉइल्ड होते हैं। द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाई एक्सटेंडिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या है, इसका स्टेबलिशमेंट किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इट इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन अटैच टू पेप्टाइड एन ओ एटम अटैच टू पेप्टाइड सी। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंडिविजुअली वीक बट कलेक्टिवली दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टेबलाइज द हेलिक्स। हेलिक्स में कलेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट इन पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। अगला पॉइंट, Each turn of alpha helix contains 3.6 amino acids and travel a distance of 0.54 nm and the spacing of each amino acid is 0.15 nm। इसकी हम जो पिछला वीडियो है उसमें भी बात की थी, अभी हम डायग्राम के द्वारा भी इसके बारे में समझेंगे। चलिए और बात करते हैं, अल्फा हेलिक्स इज ए स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन फॉर्म स्पॉन्टेनियसली विद द लोएस्ट एनर्जी। ये देखिए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है जो प्रपोज की गई है, ये कैसी है, स्पाइरल है। स्पाइरल में आप देखिए इसमें क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किस प्रकार से है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट बात यह है कि भाई साहब इनमें जो बॉन्डिंग है वो पहला और लास्ट वाला है, वो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते हैं। और इनके बीच में कितनी कितनी दूरी होती है ये आपने ये देखी है कि जो अल्फा हेलिक्स है उसमें 3.6 तो अमीनो एसिड होते हैं और 0.54 की एनएम ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक हेलिकल में। ऐसे ये तो पूरी हेलिकल स्ट्रक्चर है फुल, और एक हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड और 0.54 एनएम जो है डिस्टेंस ट्रेवल होती है, ये ट्रेवल ये डिस्टेंस हो गई है। और स्पेस इन दोनों के बीच में स्पेस जो है वो क्या है 0.15 एनएम। तो जैसे देखिए एक एक हेलिकल ऐसे बना तो इसकी दूरी बताई गई है 0.54 और इसके बीच में जो दूरी बताई गई है 0.15, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल देन लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड जो होता है वो ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स टर्न्स इन द डायरेक्शन दैट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल व्हेन इट थम्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स। सर्टेन अमीनो एसिड्स पार्टिकुलरली प्रोलीन, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि प्रोलीन है, डिस्टर्ब्ड द अल्फा हेलिक्स। अच्छा जी, तो लार्ज नंबर ऑफ एसिडिक जैसे एस्पार्टेट है, ठीक है, और बेसिक एसिडिक और बेसिक लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडिन, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या है इंटरफेयर करते हैं अल्फा हेलिक्स के साथ में। अब हम बीटा प्लेटेड शीथ की बात करते हैं, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है बीटा आफ्टर अल्फा प्रपोज बाय पाउलिंग एरे। पहले तो उन्होंने अल्फा को कर दिया फिर बीटा को भी बताया। बीटा प्लेटेड सीड्स और सिंपली बीटा सीड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेगमेंट्स ऑफ फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स। इन द बीटा सीड्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बीटा जो है इन्होंने बीटा जो सीड है ये बाद में बताई है और इन्होंने एक सीट के रूप में बताई, ऐसे सीट है, ये एक ये सीट है, एक ये सीट है, ऐसे सीट के रूप में बताया है इन्होंने। और उन्होंने क्या है कहा है कि ये पेप्टाइड चेन जो होती है वो फुली एक्सटेंड होती है इनमें, और इनमें भी हाइड्रोजन बाइंडिंग पास पास के जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो उनमें पाई जाती है नियर सेगमेंट्स में, ठीक है। अब दो प्रकार की सीट हो सकती है, एक पैरेलल हो सकती है, एक एंटी पैरेलल हो सकती है। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द बीटा सीट में भी अरेंज आइदर इन पैरेलल सेम डायरेक्शन और एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। बीटा प्लेटेड सीट में भी फॉर्म आइदर बाय सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंटरचेंज एंड सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग बैक ऑन टू इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंटरैक्ट। तो ये कुछ इसके डायग्राम में बताए गए हैं कि किस प्रकार से बीटा प्लेटेड सीट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये इस प्रकार से है। अब इसमें ये एंटी पैरेललिटी और पैरेललिटी दिखाई गई है, इसमें क्या है ये पैरेलल है आपस में और ये क्या है एंटी पैरेलल है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे पाई जा रही है और इनमें ऐसे पाई जा रही है। आगे बात समझ में, तो ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। और ये जो है बीटा प्लेटेड सीट अगर उसका पूरी फुली स्ट्रक्चर बताए तो इस प्रकार से स्पायरल प्लस बीटा प्लेटेड सीट है, ये दोनों इस प्रकार से है। ये तो अल्फा हेलिक्स हो गया, ये बीटा प्लेटेड हो गया, जैसे ये बीटा प्लेटेड है, ये बाकी के क्या है अल्फा हेलिक्स है। अगली बात समझ, ऑकरेंस ऑफ जो है इसका वो मैनी प्रोटीन्स होती हैं उनमें बीटा प्लेटेड सीट पाई जाती है, ज़्यादातर जो है अल्फा हेलिक्स है और ये दोनों ही पाई जा पाती है। इन द ग्लोबुलर प्रोटीन्स बीटा सीट फॉर्म द कोर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में बीटा सीट जो है कोर स्ट्रक्चर बनाती है। अदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जैसे अल्फा स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर तो बता दी है, बीटा बेंड भी होती है, नॉन रिपीटेटिव लेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर आल्सो फाउंड इन प्रोटीन्स। तो ये भी दो प्रकार के अलग से जो है इसकी स्ट्रक्चर अल्फा बीटा के अलावा होती है, यानी कि बीटा बेंड और नॉन रिपीटेटिव, ये दो प्रकार की और स्ट्रक्चर होती है। तो दोस्तों ये हमने आपसे बात की है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।